तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वैष्णवी गौशाला आनंद विहार के सामने कौशंबी है। यहाँ पे अपने आज देखो हवन हो रहा है। प्रिया गोपाल जी हैं, गोपाल जी हैं, महेश जी, राजीव जी, पंडित जी, विष्णु जी, गोपाल खंडेलवाल जी हैं, राजू जी हैं सामने। तो आज अपने गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में हवन हो रहा है। यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं और 25-26 गाय गोवंश है यहाँ पे, और दूध देने वाली एक गाय भी ले आए, बाकी अभी नहीं थी। 4-5 महीने से सेवा ऐसे ही आप लोगों के सहयोग से हो रही थी। बहुत अच्छा दृश्य है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग आप लोग आए हुए, आप लोगों का बड़ा साधुवाद। गो माता आप लोगों को ऐसे ही विचार देती रहें जो आप लोग आते रहें, और आप घर के घर में घरों में सुख समृद्धि बनी रहे। जय गो माता की, जय गोपाल, जय गोपाल। यहाँ पर 27 से 28 गौ माता हैं जिनकी यहाँ निस्वार्थ सेवा की जाती है और निःशुल्क है। यहाँ पर आप अपनी कोई भी सेवा, गौ सेवा कुछ भी देना चाहते हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये कौशाम्बी में है, और ये आज यहाँ पर हम इनका स्थान चेंज किया है। पहले ये ठोकर नंबर 18 में थी, गांधीनगर में, वहाँ से इन गौ माताओं को यहाँ पे लाया गया, और आज यहाँ पर हवन करा करके विधि विधान से इनकी सेवा स्टार्ट की गई है। और इसकी जो सेवा कर रहे हैं हमारे भाई साहब हैं, इनसे मैं मिलवाता हूँ। जय गो माता की, जय गोपाल। आज गोपाष्टमी के उपलब्ध में अपने यहाँ जो सब लोग आए उनके बहुत बड़ा साधुवाद है। बहुत अच्छा लगा आप लोग सब लोग आए हुए, और यहाँ जैसे पहले आते थे हम, जब आते थे यहाँ पे आते थे तो यहाँ गौशाला में कुछ भी नहीं था, गाय भूखी रहती थी, भूसा डाल देते थे, कुछ व्यवस्था इनकी नहीं थी। लेकिन हम सद्बुद्धि भगवान ने दी, यहाँ पे हम आ गए तो यहाँ पे अब गायों के लिए समाज ने इतना अच्छा योगदान किया है कि यहाँ पे चारा की व्यवस्था ठीक हो गई है, और गाय भी अच्छी तरह से ठीक ठाक हैं, संतुष्ट। तो अब एक वगैरह हो रहा है, आज भाई साहब हमारे आए हुए हैं जी, और गोपाल जी सब लोग आए हुए, इनकी सबकी सहयोग से ये काम हो रहा है, अकेले नहीं हो सकते। बहुत अच्छा लगा, इनको सबको साधुवाद। गौ माता इनको आशीर्वाद दें कि इन घर में सुख समृद्धि बनी रहे। ये गौ माता के लिए किसी ने कुछ हरा चारा देना हो, या कोई सेवा देना चाहता हो, या किसी प्रकार की आपकी सहायता करना चाहता हो तो बता दीजिए। कुछ आपका नंबर हो या कुछ हो, एक बार ये आप मोबाइल नंबर बता दीजिए। नंबर अपना जो है 8929-199-304। जी, कोई भी अपनी सेवा देना चाहता हो इस नंबर पे फ़ोन करके गौ माता के लिए सेवा दे सकता है, और यहाँ पे चारा भी दे सकता है, चारा दे सकता है। और आप सब के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है, आप यहाँ पे सेवा दे सकते हैं। मैं केवल माध्यम हूँ, आप लोग जो पहुँचाओगे वो गौ माता तक पहुँच जाएगा। जी जी जी, और यह सेवा निस्वार्थ सेवा है, हम सब ने मिल के करनी है। जय माता की, जय। मंत्र बोलूंगा, श्री सुरभे नमः, श्री सुरभे नमः, सर्व काम दुदे देवी, सर्व काम दुदे देवी, सर्व तीर्थ पिशाचिनी, सर्व तीर्थ पिशाचिनी, पावनी सुरभे श्रेष्ठे, पावनी सुरभे श्रेष्ठे, देवी नमस्ते, देवी तुभ्यं नमस्ते, देवी तुभ्यं नमस्ते, लक्ष्मी रियालो लिया लोकबाला नाम, लक्ष्मी लिया लोकबाला नाम, धेनु रूपेण संस्थिता, धेनु रूपेण संस्थिता, गृह भति यज्ञार्थ पापम बपोहतु। श्री सुरभे नमः, श्री सुरभे नमः। नमस्कार।
भारत माता की जय। मैं गोपाल किशन खंडेलवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अपने गांधीनगर जिला से अपने को गौ सेवा की जो जिम्मेदारी मिली हुई है, आज हम कौसाम्बी में हैं अन्नपूर्णा गौशाला धाम पे, और आज गोपाष्टमी की पूरे भारतवर्ष को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले बचपन में हम गौ माता का एक प्रस्ताव पढ़ा करते थे, आज हम ये समझते हैं कि गौ माता है तो जीवन है, और गौ माता के जो गोबर है या मूत्र है उससे एक हमारे जीवन में पर्यावरण के लिए भी वो चीज़ काम आती है। इसलिए ये ना सोचा जाए कि गाय दूध नहीं दे रही है, तो हमारे माता पिता भी जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें भी हम घर से नहीं निकालते, वो कहीं ना कहीं हमारे घर में चौकीदार का रच्छे हमारे को आशीर्वाद देते हैं और उन्हीं की दुआओं से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो हम गऊ को माता बोलते हैं तो अपनी माता का हमारा फर्ज बनता है कि इसकी रक्षा करनी है, और गौ रक्षा होनी चाहिए। और भारत सरकार से मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का घोषणा की जाए। धन्यवाद। आज गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ हवन रखा गया है गौशाला में, और आज गौ पूजन है 11 बजे, वो भी हो चुका है, अब भंडारा 1 बजे करीब भंडारा होगा यहाँ पे। सर ये गौशाला है कहाँ पर, उसका एड्रेस क्या? ये अन्नपूर्णा वैष्णवी गौशाला है कौसाम्बी में, आनंद विहार बस अड्डे के सामने भी समझ लो, या ये महाराजपुर ठेके के नाम से पहले मशहूर थी जगह, उसके पीछे जयपुरिया फ्लैट्स के अपार्टमेंट के बगल में, जयपुरिया अपार्टमेंट के बगल में कौसाम्बी गाजियाबाद। ठीक पंडित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे गौशाला के लिए? गवाही तीर्थे वसते ही गंगा पुष्टिस तथा तद्रजि प्रवृद्धा लक्ष्मी करे से प्रणतौ च धर्मस्तासाम प्रणामम सततम च कुर्यात। गौ बिना इस सनातन की कोई पहचान नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि गौ धन है, कोई जानवर नहीं है, कोई पशु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गौ पहले हमारे यहाँ पे धन है, और गौ की सेवा करने से बहुत पुण्य का फल प्राप्त होता है। लक्ष्मी का 33 कोटि जो हमारे देवता हैं सब गौ में निवास करते हैं, गौ की सेवा करने से अनेक प्रकार के ग्रह और जो आपके कोई खराब समय चल रहा है उससे भी शांत होता है, और गौ की सेवा करने आज गोपाष्टमी है, पुण्य पर्व है, भगवान बाल गोपाल आज के दिन भगवान जब गौ चराने के लिए माता यशोदा ने उनको आज दायित्व दिया था कि आप जाओ गौ चरा के लाओ, तो आज के दिन भगवान गोपाल जी हमारे कृष्ण भगवान बाल गोपाल गौ चराने के लिए वृंदावन में निकले थे, तो आज वही पुण्य पर्व है, बड़ा सुंदर पर्व है, गौ की सेवा करनी चाहिए, गौ धन है, गौ की रक्षा करनी चाहिए। हम ये नहीं सोचें कि सरकार करेगी या कोई करेगा, हमें ही करना है, क्योंकि गौ बिना हमारी गति नहीं है, इसलिए गौ की रक्षा करें, गौ की सेवा करें, और जितना हो सके गौ के लिए, इस यहाँ पर जब कुछ भी नहीं था आज बहुत कुछ है, और जब मेरे को सुनने में आया था कि यहाँ पे बड़ी स्थिति ख़राब है गौओं की, कुछ था नहीं, तब हमारे राजीव जी, राजू जी भाई साहब का नाम मेरे को पता नहीं है, इन्होंने अपने भाई साहब इन्होंने काफ़ी यहाँ पे लोगों को जोड़ा करा, और आज गौओं की स्थिति बड़ी अच्छी है, इनको साधुवाद है, भगवान इनको दीर्घायु दे और गौ माँ इनके ऊपर कृपा बनाए रखें, हम सब पे कृपा बनाए रखें। जय गौ माता, जय गोपाल।